सो दोस्तों, ये रहा मेन रोड, खजारो जाने का रास्ता, और इधर है एयरपोर्ट जाने का रास्ता, जो कि एयर ट्रिप लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम लोग आए हैं एयरपोर्ट देखने, जो कि अभी बना नहीं है, बट कुछ सालों के बाद यहाँ पे बनने वाला है एयरपोर्ट। तो चलिए आप लोगों को उस स्थान पे लेके जाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि कौन से एरिया में बनने वाला है। तो मेरे साथ आप लोग आइए दोस्तों। तो दोस्तों, गेट बंद है, आप देख सकते हो, बट यहाँ ये जो एरिया है, इधर लाइए थोड़ा, इधर जो है एरिया में बनने वाला है। सो दोस्तों, आज आर्मी वाले आए थे यहाँ पे और अपना जो सामान होता है दोस्तों, वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करके दूसरे जगह पहुँचाने के लिए, तो आज आर्मी वाले आए थे, तो उसका कुछ रिकॉर्ड हम लोगों ने किया है दोस्तों बाहर से, क्योंकि आर्मी वालों ने साफ साफ मना कर रहे थे रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन मैंने कुछ चुपके से, जो यहाँ पे प्राइवेट जो हेलीकॉप्टर होता है वो जो आर्मी वालों का, वो मैंने रिकॉर्ड किया है, तो इसमें मेंशन कर दूँगा। और दोस्तों, उन लोग तो चले गए हैं और गेट बंद हैं, आप लोग को देख सकते हो गेट बंद है, तो आप लोगों को अंदर का चीज़ें नहीं दिखा सकता। सो दोस्तों, आप लोगों को ये जो एरिया दिखाई दे रहा होगा, ये काफ़ी बड़ा एरिया है दोस्तों, और यहाँ पे बनने वाला है एयरपोर्ट कुछ समय के बाद। और यहीं एयरपोर्ट में दोस्तों, मंत्री लोग जो आते हैं यहीं पे लैंडिंग करते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है, उस तरफ भी है, बट आज गेट बंद होने के कारण आप लोगों को अंदर का नज़ारा नहीं दिखा सकता। सो यही जो है कुछ समय बाद एयरपोर्ट बनने वाला है। सो दोस्तों, आप जो ये एरिया देख रहे हो, यहाँ पे कई सारे दुकान बनने वाले हैं। जब यहाँ पे एयरपोर्ट बन जाएगा तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिलेगा और अपना अपना बिजनेस करने का मौका मिलेगा। सो दोस्तों, आप लोगों को तो एयरपोर्ट दिखा चुका जो हमारे एरिया में बनने वाला है, अभी लेकर आया हूँ दोस्तों। अब मेरे पीछे तरफ देख सकते हो, मॉल बनने वाला है, तो आप लोगों को मॉल दिखाने वाला हूँ। ये भी बहुत काम हो गया है दोस्तों, कुछ समय बाद ये मॉल जो है कम्प्लीट हो जाएगा। चलते हैं मॉल को देखने किस प्रकार से ये बन रहा है, तो मेरे साथ आइए। सो दोस्तों, आप मेरे पीछे तरफ देख सकते हो, ये जो मॉल बन रहा है और इसका काम जो स्टार्ट तेज़ी से हो गया है, आप देख सकते हो कि पहला पिलर और दूसरा पिलर बनकर रेडी हो गया है। अभी और दो मंजिलों बनेगा दोस्तों ये, तब फिर काफ़ी मज़ा आएगा। और इस मॉल का अभी तो नाम कुछ रखा नहीं है, बट आप देख सकते हो हमारे कैमरा मैन दिखा रहे हैं कि पूरा चारों तरफ दिखाना एक बार, अब देख सकते दोस्तों ये पूरे एरिया में बनने वाला है। सो दोस्तों, इधर बनने वाला है, इधर जो बनने वाला है पार्किंग का एरिया, और काफ़ी बेहतरीन बनने वाला है ये, काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे भी उड़ीसा में अब प्रोग्रेस हो रहा है। आप लोगों को दिखाया एयरपोर्ट बनने वाला है और ये जो है मॉल बनने वाला है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो इसके लिए तक लाइक बनता है। और दोस्तों, जो जो मेरे चैनल में नए हो, सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है उसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और खूब सारा प्यार दें दोस्तों। और चलिए आप लोगों को लेकर चलते हैं मॉल की तरफ जो बन रहा है। सो दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो काफ़ी तेज़ी से बन रहा है और काफ़ी जल्द ये जो मॉल है बनकर तैयार हो जाएगा, तो काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पे शॉपिंग करने आएंगे, मूवी देखने आएंगे और बहुत सारे फन एक्टिविटी करने आएंगे यहाँ पे, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पहला सीढ़ी और हम लोग जा रहे हैं पहले मंजिल में, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। सो दोस्तों, आप लोगों को ये जो गड्ढा दिख रहा होगा जो पानी भरा हुआ है, यहाँ पे बनेगा दोस्तों लिफ्ट,
ऊपर नीचे जाने के लिए, और ऐसा कुछ बनेगा पूरा अभी, और हाइट उठने वाला है दोस्तों, 2 मंजिल और ऊपर बनेगा, और आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा एरिया है। जब बनकर तैयार हो जाएगा दोस्तों उस दिन फिर आएंगे एक बार बनाने इसको, तब मज़ा आएगा। देख सकते हो यहाँ पर जो है छड़ लग गया है, और इधर आए हुए हैं मिस्त्री लोग जो अपना काम कर रहे हैं तेज़ी से, आप देख सकते हो दोस्तों। इधर आइए, तो दोस्तों आप देख सकते हो पीछे की तरफ इधर पूरा बनेगा पूरा, बहुत सारे और कुछ कुछ दुकानें वगैरह और कुछ कुछ और अभी बनेंगे, प्लान तो अभी नहीं हुआ है, बट जैसे ही ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तब आप लोगों को पूरा डिटेल से बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें बना हुआ है, तो अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों को। सो दोस्तों जैसे कि ये मॉल का जो मुंशी साहब जो हैं ये हैं, और आप लोगों को डिटेल से मुंशी साहब जो हैं वो बताएंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा, कितना टाइम लगेगा मॉल को बनने में। तो सर आपका नाम क्या है? भूपेंद्र कुमार साहू। तो सर का नाम है भूपेंद्र कुमार साहू। तो सर आप बताने की कृपा करें कि ये किस प्रकार से बनेगा, कितना दिन में बन जाएगा ये जो मॉल? लगभग 2024 का टारगेट है जी। इसमें थिएटर है, सुपर मार्केट है, फैक्ट्री का काम चल रहा है जी जी जी। तो मैंने कहा 2024 का टारगेट है इसका, अभी तो काम चल रहा है बिल्कुल। सो दोस्तों जैसे कि सर ने बताया कि 2024 का टारगेट है जो मॉल जो है ओपनिंग हो जाएगा, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे 3-3 थिएटर खुलने वाला है, तो काफ़ी मज़ा आएगा। और उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे गेम और फन का एक्टिविटी भी होगा यहाँ पे, तो काफ़ी मज़ा आएगा। और आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो नवापुरा डिस्ट्रिक्ट है जो ये जो मॉल बन रहा है यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा से प्रोग्रेस हो रहा है, तो आप देख सकते हो जो मॉल अब जब बन जाएगा दोस्तों तभी मज़ा आएगा यहाँ पे आने में। सो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और खूब सारा प्यार दें दोस्तों। तब तक के लिए आप लोगों से बाय बाय, और आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।